नई बसें दिल्ली के बेड़े में जुड़ गई है। हमारे साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हैं। सर बताइए क्या खासियत है इन बसों की, दिल्ली वालों के लिए किस तरह से सुविधाजनक साबित होंगी? देखिए ये सारी बसें जो हैं, हम जो तीन चीजों की बात करते हैं, कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी, जो कि अगर आप किसी भी लंदन में जाएं या न्यूयॉर्क जाएं तो इसी कंफर्ट की हम बात करते हैं, वो सारी चीजें इन बसों में हैं। ये फुल्ली एयर कंडीशन बसेज हैं, लो फ्लोर बसेज हैं, इनमें सीसीटीवी लगे हैं और अगर किसी भी यात्री को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पैनिक बटन अलग अलग सीट्स में, हर मेरे से दो या तीन सीट छोड़ के उसमें पैनिक बटन लगे हैं जिनका कि सीधा वो हमारे कमांड सेंटर से कनेक्टेड हैं। दिल्ली की बसें हमेशा चर्चा में रहती हैं, चाहे विवाद हो चाहे इसकी तारीफ हो, तो फिलहाल कितनी बसें जुड़ रही हैं दिल्ली परिवहन विभाग में? मार्च 2020 से हम इन 32 गाड़ियों को मिला के 452 गाड़ियां, 452 इसी तरह की बसें जो हैं वो हम दिल्ली की सड़कों पे ऐड कर चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा मार्च अप्रैल में कोरोना की पहली लहर चालू हो गई थी और उसके बाद से लॉकडाउन रहा, तो उस प्रकार से हमने फ्लैग ऑफ नहीं किया था और हम चाहते थे कि बसें ऐड होती रहें, फ्लैग ऑफ की वजह से वो हम उनको रोके ना, क्योंकि उस टाइम आपको याद है कि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और बसों की कमी महसूस हो रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनका जन्मदिन भी है आज, और हम और ये अच्छी बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। आखिरी मेरा सवाल है, आगे कितनी और बसें जोड़ने का प्लान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ बसें जो हैं वो पुरानी होने की स्थिति में हैं और ऐसे में दिल्ली को आने वाले वक्त में और ज्यादा बसों की जरूरत होगी? नहीं, बसें हम ऐड करते जा रहे हैं, अभी 160 बसेस का भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, अभी 300 इलेक्ट्रिक बसेस डीटीसी में ऐड होनी है, 1000 बसें ऑलरेडी ऐड हो जानी थी, उनका जो भी उसमें वो जो विवाद चल रहा है, तो उसी प्रकार से 465 इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि इसी हफ्ते जो क्लस्टर बसेस का टेंडर है वो भी फ्लोट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे परिवहन मंत्री बताते हुए कि किस तरीके से दिल्ली के खाते में और बसें जुड़ेंगी, जिस बस के भीतर हम मौजूद हैं इसकी अपनी खासियत है, आपको बता दें कि इसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, ये देखिए सामने हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, यहाँ पर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि ये है सीसीटीवी। सीसीटीवी की निगरानी सेंट्रल रूम से होगी और साथ ही साथ सामने भी आप देख लीजिए, वो आप देख रहे हैं वहां पे भी सीसीटीवी नजर आ रहा है, तो पूरी बस सीसीटीवी की नजर में रहेगी। पैनिक बटन यहाँ पर दिया हुआ है, पैनिक बटन दबाते ही जो बस है उसकी जानकारी सेंट्रल रूम में पहुंच जाएगी। तो ऐसे स्थिति में बस को हाईटेक रूप देने की कोशिश की गई है। दिल्ली में ये कहा जाता है कि बसों की कमी है और ऐसे में ये जो नई बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर जरूर है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।